नमस्कार अच्छी जी, नमस्कार। तो आज आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आखिर क्या होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस? हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि हम अगर बोलें कि बिना सामान खरीदे आप बेच सकते हो। जैसे सपोज किसी वेबसाइट ने आपसे ऑर्डर लेना है, या आपने आपके कस्टमर ने कोई ऑर्डर दिया आपको, ठीक है, आप उस ऑर्डर को देना चाहते हो कहीं से लेके, तो आपको वो सामान एक्चुअल में खरीदना नहीं पड़ेगा। वो वेबसाइट आपके कस्टमर को डायरेक्टली आपका सामान भेज देगी और उसे हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। मतलब ऑर्डर आपने ना सामान की इन्वेंटरी रखी, ना उसकी स्टोरेज रखी, कुछ भी नहीं रखा, डायरेक्ट वेबसाइट कस्टमर को भेज देगी। मतलब बेसिकली हमारा कोई ह्यूमन रिसोर्स लगा ना, आपके इसमें लेबर का रिक्वायरमेंट रहा ना ही आपने कोई जगह ली, कोई फिक्स स्पेस लेने, कोई रेंटल कुछ है ना, अपने घर में रहकर भी ये शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल की गृहणियां हैं, जो आजकल के लोग हैं, इसे बड़े आसानी से बड़े तरीके से शुरू कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको शुरू किया जा सकता है बिना ज्यादा पैसे लगाए। तो ये बिजनेस मतलब मैं बोलूं तो बहुत इजीली और बहुत कम कॉस्ट में शुरू हो सकता है। अच्छा सर, इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कौन कौन लोग, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ आपके हिसाब से कुछ है इसके अंदर? कोई भी इसको कर सकता है? कोई इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक है या कोई अलग से लाइसेंस लेना पड़ता हो कुछ? देखो, लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है बेसिकली, क्योंकि जब आप सामान खरीदते बेचते हो तो जीएसटी एप्लीकेबल होता है और कई चीजें और भी चाहिए होती हैं। आज के जमाने में जब हम जी रहे हैं, जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो बिना जीएसटी के, बिना छोटे मोटे लाइसेंस के काम करना एक तरीके से बेवकूफी मानी जाती है, ठीक है। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आपके लिए इस बिजनेस को शुरू करने में स्किल सिर्फ इतनी चाहिए कि आपको नेट चलाना आना चाहिए, आपको वेबसाइट पे थोड़ी बहुत लिस्टिंग करना आना चाहिए। जैसे आप सामान खरीदते थे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, बिल्कुल वैसे ही खेल है, बट आप बेचोगे तो सिस्टम सिर्फ इतना है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कुछ मार्केट साइज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा ये बताइए। मार्केट साइज तो इसका बहुत बड़ा है, देखा जाए तो कम से कम $50 बिलियन की सेल तो अभी इंडिया में ही हो रही है एक्चुअल में, और काफी बड़ी मार्केट है। अनस्ट्रक्चर्ड है, आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, आज तक किसी ने इस बिजनेस को शुरू नहीं किया, कोई इतनी मेहनत नहीं करके गया, तो ये बिजनेस की मार्केट ग्रोथ तो बहुत ही बड़ी है। अगर करना चाहे कोई तो आसानी से कर सकता है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में, क्योंकि बैठे बिठाए आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सर, ड्रॉप शिपिंग कुछ एग्जांपल्स दीजिए कि जैसे क्या क्या प्रोडक्ट हम ड्रॉप शिप कर सकते थे, क्या क्या गुड्स हम ड्रॉप शिप कर सकते हैं, थोड़ा ये बताइए। जैसे ड्रॉप शिपिंग में अगर मैं बोलूं जी, तो आप ड्रॉप शिपिंग में नेल पेंट से लेके आप ये मान के चलो कि जितने भी शॉपिंग रिलेटेड गुड्स हैं वो सारी चीजें, जितने भी मेंस अपैरल्स हैं, वुमेन्स अपैरल्स हैं, सारी चीजें आप शिप कर सकते हो। इवन यहाँ तक कि मेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, परफ्यूम से सब, हाँ बिल्कुल, ये सारे रिलेटेड, बिल्कुल हर चीज, जो भी रिलेटेड हर चीज आप कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। इवन आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में ही ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो। मतलब आप इंडिया में बिजनेस नहीं करना चाहते ड्रॉप शिपिंग का, आप चाहते हो कि हाँ जी ड्रॉप शिपिंग, आप अमेरिकन पीपल को यहाँ से बैठ के सामान बेचना चाहते हो और आपको एक पैसा नहीं खर्च करना अपने बिजनेस में, सामान खरीद के स्टोर करके उसे ये वो इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने सपोज अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो हम उसकी मार्केट कैसे बढ़ाएं? तो मार्केटिंग कोई ऐसे पोर्टल्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग में डील करते हैं, या फिर अपना खुद की वेबसाइट पोर्टल बनाए, किस तरीके से हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे फोकस करना पड़ेगा, या तो आप उनके थ्रू बेच सकते हो, अदरवाइज एक वेबसाइट का प्लेटफॉर्म आप डेवलप कर सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट जिसमें आप इंटरनेशनल कार्ड्स की पेमेंट भी ले सकते हो, और इंटरनेशनल कार्ड में अगर वहां बाहर पेमेंट हो रही है तो उनको इंडिया में ला सकते हो। तो वो एक तरीके से shopify.com करके है, उस पे $25 में एक वेबसाइट बन जाती है पूरे साल की। तो $25 कुछ भी नहीं होते अगर मैं देखूं तो, पूरे $25 अगर आप पूरे साल में खर्च कर देते हो यूं ही, और उससे अगर आप बिजनेस शुरू कर सकते हो तो इससे बड़ी क्या चीज होगी। सही बात है सर। बाकी जैसे अमेजोन हो गए, हम इनसे भी लिस्ट हो सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, एक पोर्टल सेल आउट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा कि किसी और से माल लिया और फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर लिया तो हमारा सेल। बिल्कुल रचित जी, ये बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप, मैं बोलूं आज के टाइम पे लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो लोग समय व्यर्थ करके अपना सामान खरीदे जाके मार्केट में, तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि हाँ जी अपना
ये ड्रॉप शिपिंग का व्यवसाय, चाहे आप थर्ड पार्टी वेंडर बन जाओ कि हाँ जी आपको सामान आप कहीं से भी ले रहे हो। इवन मैंने ये चीज देखी है कि लोग तो आगरा के फुटवेयर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं और उन्हें अपनी लेबलिंग करा के उन्हें बेचते हैं अमेजोन वगैरह पे। बट वो किसी ब्रांड से कॉपीड नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट, क्योंकि कॉपीड हुआ तो फिर वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को दिक्कत होती है कि हाँ जी ओरिजिनल ब्रांड उनकी कंप्लेन करते हैं और फिर उस वजह से दिक्कतें शुरू हो जाती है और फिर उन्हें वो लिस्टिंग हटानी पड़ती है प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मतलब अगर मैं अपना प्रोडक्ट जेन्युइन बनाना तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करके उसका ट्रेडमार्क लेके अपना लोगो लगा के अपने सामान पे जो हो लोकल सामान पे लगा के हम अपना ब्रांड बना के बेच सकते हैं मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रजिस्ट्रेशन की ये बात है, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले लोग आपको ये देखना प्रेफर करेंगे कि हाँ जी इस ब्रांड का मतलब है क्या, किस तरीके से रजिस्टर्ड है, ये प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये 1% कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो भी नहीं कर सकते लोग तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सोल प्रोप्राइटर का बहुत बाद में आता है, बट अगर कोई अपना ब्रांड बेचना चाहता है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना चाहिए या 1% कंपनी के तौर पर अपने आपको रजिस्टर करना चाहिए। दूसरी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि हाँ जी आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आप चाहे आप जीरो रिटर्न करो या जीरो प्रॉफिट करो, आपको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आप किसी भी वेबसाइट के साथ एसोसिएट होते हो ड्रॉपशिपिंग के लिए वो नंबर मांगते हैं। बिल्कुल, और साथ साथ अगर आप लोकल सामान ले रहे हो तो आपको वैसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी होता है। तो बिल्कुल सही बात बोली रचित जी आपने, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात बोली, ठीक है बिल्कुल, उसके बिना तो रजिस्टर हो ही नहीं सकता, कोई भी अपनी ड्रॉप शिपिंग शुरू ही नहीं कर सकता। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट इसके अलावा आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ब्रांड बिल्कुल यूनिक है, आप उसे सिक्योर करके रखना चाहते हो कि हाँ जी आप नहीं चाहते कि आप उसे कोई चोरी करके उसे कमा ले या कोई उसका चोरी करके उसे यूज करना शुरू कर दे, तो आप ट्रेडमार्क शुरू से ही लेंगे ना तो बहुत बेहतरीन चीज होगी आपके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, अब लास्ट हमारा ये कि हम जो भी आपने चीजें बताई उसको थोड़ा समराइज पॉइंट में बता दीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है और कहां पर होता है। देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये अथॉरिटी दे रखी है ROCs को कि हाँ जी वो बहुत आसानी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो सकती है। अब लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि हाँ जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने में बड़ा खर्चा आता है, ठीक है उसे चलाने में बड़ा खर्चा आता है, बट आज के टाइम पे देखा गया तो वही कंपनी सक्सेसफुल है, वही बिजनेस वही व्यवसाय सक्सेसफुल है जो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर बिजनेस कर रहे हैं। अन्यथा दूसरे को लोग सोल प्रोप्राइटर के ना तो कोई इतने क्लाइंट होते हैं, एक एक लेवल पे जाने के बाद वो इंसान ये सोचता है कि हाँ जी मैंने इतने सालों मेहनत करी और मेरा ब्रांड किसी और ने कॉपी कर लिया और उसे चोरी करके बना रहा है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड ना ही सर कोई फंडिंग की व्यवस्था हो पाती प्रोवाइडर। बिल्कुल, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में आया है, अगर इसमें आपके कोई पेमेंट्स डिफॉल्ट करता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए पूरा उसका लॉ बना हुआ है कि आपको कोई पेमेंट खत्म नहीं कर सकता। साथ साथ एमएसएमई का लॉ भी आया कि 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट आपका जो ग्राहक होगा वो आपको देगा ही देगा, नहीं तो आप 6 मंथ्स के अंदर आपको जो है फास्ट ट्रैक रिजल्ट मिलेगा थ्रू क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो कोर्ट्स होते हैं इन्हें क्वासी जुडिशियल बॉडीज भी कहा जाता है। तो इसमें देखो आपने बिल्कुल सही बात कही रजित जी, मेनली तो ये एक तरीके से भूमिका अदा करता है कि हाँ जी सरकार अब थोड़ी थोड़ी सजग होती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, लोगों के जितने भी माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको एक तरीके से अच्छी तरीके से संगठित करा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर किया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हाँ जी आज आपके टाइम पे जब कहीं भी हम ऑनलाइन सामान चाहे बेच भी रहे हैं तो हमारा पैसा कोई आसानी से मार नहीं सकता अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करेंगे, एमएसएमई लेके काम करेंगे और जीएसटी लेके काम करेंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप अपनी खुद की ड्रॉप शिपिंग कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करो प्राइवेट लिमिटेड से ही शुरू करो, क्योंकि आगे जाके आपका वो जो ब्रांड है वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दो लोगों से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू हो जाती है, मात्र दो लोगों से, वो घर के भी लोग हो सकते हैं, वो रिश्तेदारी में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, सन और फादर हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हो। $25 में वेबसाइट बन जाती है तो कोई ज्यादा खर्चा है ही नहीं। और अगर आप बिजनेस को तरीके से करोगे, मार्केटिंग अच्छी करोगे, जैसे कि आप गूगल एड्स लगाओगे, फेसबुक एड्स लगाओगे, ठीक है ट्विटर एड्स लगाओगे, तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप सर्च करो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में तो अगर कोई भी गूगल पे जाके सर्च करता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे एड्स आ जाते हैं लिखे हुए, वो एड्स ही है फर्स्ट। आजकल तो शुरुआत के 3 सर्चेज वही होते हैं जो एड्स होते हैं। तो आप शुरुआत में अगर आप मार्केटिंग कर सकते हो, थोड़ा बजट मार्केटिंग के लिए लगा सकते हो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के लिए,
तो आप लोगों के लिए फायदा ही फायदा है, बल्कि ये बिजनेस और आगे ग्रो कर जाएगा। तो आपको थोड़ा सा प्लान मार्केटिंग का भी बनाना चाहिए कि हाँ जी ऑनलाइन मार्केटिंग आजकल जरूरी हो गई है, ऐसे बिजनेसेस को तो ऑनलाइन मार्केटिंग चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दें, इस चीज पे ज्यादा फोकस करें, इसी तरीके से बिजनेस बढ़ेगा आपका आगे। अच्छा सर, अब मेरे हमारे जो व्यूअर्स हैं ये चीज और जरूर जानना चाहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस असल में कितने इन्वेस्टमेंट में हम शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट मिला के और सब चीजें कॉस्ट मिला के कितना खर्चा आ जाता होगा लगभग इस बिजनेस को स्टार्ट करने सर 50,000 से 1,00,000 के बीच में एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत प्यार से हो सकता है। आपके रजिस्ट्रेशन मुश्किल से 20,000 रुपए लेते हैं, 20,000 से ज्यादा लेते नहीं है, अगर आप एज ए ब्रांड की तरीके से अपने आपको रजिस्टर कर लो। और अगर आप नॉर्मली एक छोटे से सोल ऑपरेटर के तौर पर रजिस्टर करते हो अपने आपको तो मात्र 6,000 रुपए लगते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज रॉकेट साइंस है नहीं, बट स्टिल मैं ये बात बोलूंगा कि आपकी 14,000 से 15,000 में कंपनी बन जाती है आसानी से आज के टाइम, जो भी लाइफ टाइम चलती है, जो भी लाइफ टाइम चलती है, और आपका मतलब एक तरीके से ब्रांड वैल्यू बन जाता है। स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत ट्रांसपेरेंटली आप काम कर सकते हो, किसी को भी अपने मार्केट में दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड कराई है मैंने अपनी कंपनी। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मैंने शूज लिए लोकल और एक शूज लिए मैंने रेड टेप के, तो रेड टेप कंपनी का अगर देखा जाए, पूरा ब्यौरा निकाला जाए, तो उसके ऊपर कितनी कंपनियां हैं, उसकी ग्रुप कंपनीज कितनी है, सब्सिडियरी कंपनीज कितनी है। अब वो एक दिन में तो बना नहीं रेड टेप ब्रांड, जब उसने शुरू किया होगा तब प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर किया होगा, शुरुआत में हो सकता है कि हाँ जी उसको वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग मिली हो या एंजल इन्वेस्टमेंट मिली हो, वो तभी मिल सकती है आपको जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर करो अपने आपको, जीएसटी लो अपना जीएसटी टाइम पे करो, कंप्लायंसेस करने भी बहुत जरूरी है, कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली है हमें आपसे, धन्यवाद रक्षित जी। मैं व्यूअर से सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। और मेरा उद्देश्य इस वीडियो को लेके, बल्कि आपका उद्देश्य भी रहा होगा कि ये वीडियो कहीं से कहीं तक कोई एडवर्टीजमेंट ट्यूटोरियल नहीं है, सिर्फ एक तरीके का एक नॉलेज वीडियो है कि हाँ जी कैसे आप कम से कम कीमत पे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग में। तो यही हमारा रीजन था दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपना बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान रखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और कुछ ना कुछ शुरू जरूर करें, इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।